अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है मलिक अमजद, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल बेस्ट। दोस्तों आज की वीडियो आप सब दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उसकी रीज़न ये है, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 10 ऐसे स्मार्टफोन शेयर करने वाला हूँ जो कि हाल ही में पाकिस्तानी मार्केट में आ चुके हैं और इन स्मार्टफोन के लेटेस्ट प्राइसेस क्या हैं आज की इस वीडियो में आप डिटेल के साथ जान सकेंगे। और ये स्मार्टफोन 20,000 पैसे स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पर एंड होंगे ये आप वीडियो में आगे चल कर जान सकेंगे। और गाइस ये तमाम तर स्मार्टफोन कौन सी कंपनी के हैं, तमाम तर कंपनीज को मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दी। सो अगर आपका बजट 20,000 पैसे स्टार्ट हो रहा है तो मेक श्योर कि आज की इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और हम आपके लिए मजीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाकर लाते हैं। और चैनल पर पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए मैं जैसी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इसके जो नंबर वन पर स्मार्टफोन आता है वो एजीटी कंपनी की जानब से, स्मार्टफोन का नाम है ब्लेड A55 जो कि 4GB रैम और 64GB रोम वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो बॉक्स पैक प्राइस है वो है 20,000 रुपये। अच्छा स्मार्टफोन है, डे टू डे यूज़ के लिए आपको अच्छी वैल्यू ऑफर कर रहा है, आप स्मार्टफोन को वेल फॉर मनी कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के इसके नंबर टू वाले स्मार्टफोन की। और इस नंबर पर जो स्मार्टफोन आता है बिल्कुल नया स्मार्टफोन है और हाल ही में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ। और स्मार्टफोन का नाम है ZTE Nobia New 2 5G जो कि 8GB रैम और 256GB रोम वाला वेरिएंट है। और स्मार्टफोन की जो बॉक्स पैक प्राइस है वो है 55,000, लेकिन आफ्टर डिस्काउंट ये स्मार्टफोन आपको इजीली 51,500 पैक रेंज के अंदर देखने को मिलता है। और स्मार्टफोन में आपको गेमिंग परफॉर्मेंस 60 FPS के देखने को मिल जाती है जो कि स्मार्टफोन का मेन और हाईलाइट फीचर है। और साथ आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है 33W के फास्ट चार्जर के साथ। और स्मार्टफोन में आपको किसी किस्म के हीटिंग इशू भी देखने को नहीं मिलते। तो बात करते हैं आज के इसके नंबर थ्री वाले स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन का नाम है ZTE Nobia V60 डिज़ाइन जो कि 16GB रैम और 256GB रोम वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो बॉक्स पैक प्राइस है वो है 30,000 रुपये। और ये भी लेटेस्ट मॉडल है और हाल ही में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ। तो बात करते हैं आज के इसके नंबर फोर वाले स्मार्टफोन की। इस नंबर पर जो स्मार्टफोन आता है वो है रियलमी कंपनी की जानब से, स्मार्टफोन का नाम है Realme C61 जो कि 6GB रैम और 128GB रोम के साथ आता है। और स्मार्टफोन में आपको 12GB की रैम डायनामिक देखने को मिल जाती है, यानी कि स्मार्टफोन में आपको ओवरऑल 18GB की रैम और 128GB की रोम देखने को मिल जाती है। और रियलमी कंपनी के जानब से ये बिल्कुल न्यू मॉडल है और 2-3 दिन तक आपको ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन की जो बॉक्स पैक प्राइस होने वाली है वो 32,500 रुपीज़ है। तो बात करते हैं आज के इसके नंबर फाइव वाले स्मार्टफोन की। तो इस नंबर पर जो स्मार्टफोन आता है वो है शॉमी कंपनी की जानब से, स्मार्टफोन का नाम है Xiaomi Redmi 14C जो कि 3 वेरियंट्स के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगा। और इन तीनों वेरियंट्स की जो प्राइसेज होने वाली है वो 25,000 से 35,000 रुपये है। और स्मार्टफोन का डिज़ाइन सेम वैसे ही है जैसे आपको ओप्पो रेनो 12F का देखने को मिलता है। और सेकंड नंबर पर स्मार्टफोन के जो फीचर हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेम दिए गए हैं जैसे कि आपको Redmi 12C और Redmi 13C के अंदर देखने को मिलते हैं। कोई इतनी ज़्यादा खास इंप्रूवमेंट नहीं है, गेमिंग परफॉर्मेंस आपको सेम देखने को मिलती है जो कि इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। डिस्प्ले भी आपको HD देखने को मिलेगा। और ये स्मार्टफोन भी आपको आने वाले वीक के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं आज कल इसके नंबर सिक्स वाले स्मार्टफोन की। और गाइज ओप्पो कंपनी की जानब से भी 3 से 4 मॉडल को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर हाल ही में लॉन्च किया गया। और इन स्मार्टफोन के नाम है ओप्पो रेनो 12 4G एंड 12 5G एंड ओप्पो रेनो 12F 5G। तो मैं इन स्मार्टफोन के ऊपर ऑलरेडी डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक वॉच आउट नहीं किया तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो नंबर सिक्स पर जो स्मार्टफोन आता है स्मार्टफोन का नाम है Vivo Y28 जो कि 8GB रैम और 128GB रोम वाला वेरियंट है। और इस वेरियंट की जो बॉक्स पैक प्राइस है आज के डेट में वह है 45,500 रुपये। प्राइस रेंज के हिसाब से यह स्मार्टफोन भी आपको अच्छी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा, आप स्मार्टफोन को भी स्किप कर सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन आपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। तो बात करते हैं आज के इसके नंबर सेवन स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन का नाम है Realme 12 4G जो कि 8GB रैम और 256GB रोम वाला वेरिएंट है। और इस वेरिएंट की जो बॉक्स पैक प्राइस है वो है 54,500 रुपए। तो बात करते हैं आज के इसके नंबर एट वाले स्मार्टफोन की। ITEL S23 के बाद ITEL S24 भी मार्केट में आ चुका है। और ये स्मार्टफोन आपको 2 वेरिएंट्स के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहला वेरिएंट 16GB रैम और 128GB रोम वाला है और इस वेरिएंट की जो बॉक्स पैक प्राइस है आज के डेट में वो है 27,000 रुपये। और इसी स्मार्टफोन का जो सेकंड वेरिएंट है जो कि 16GB और 256GB रोम के साथ आता है आज के डेट में स्मार्टफोन की जो बॉक्स पैक प्राइस है वो है 31,500 रुपये। तो बात करते हैं आज के इसके नंबर नाइन वाले स्मार्टफोन की। इस नंबर पर जो स्मार्टफोन आता है स्मार्टफोन का नाम है DJ Next Ultra जो कि आईफोन के शेप में आता है
और ये स्मार्टफोन 4GB रैम और 64GB रोम वाला वेरिएंट है। और आज के डेट में स्मार्टफोन की जो बॉक्स पैक प्राइस है वो 18,700 रुपये। अच्छा स्मार्टफोन है, डे टू डे यूजर्स के लिए आपको अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। आप स्मार्टफोन को वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आप कुछ लेटेस्ट मॉडल के बारे में जान चुके हैं और इनकी लेटेस्ट प्राइसेस क्या हैं वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और फ्यूचर में ऐसी मजीद लेटेस्ट एंड बेस्ट स्मार्टफोन की वीडियोस को वॉच करने के लिए अपने भाई के चैनल टेक्निकल बेस्ट को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।